मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, SkyMet मैडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 27 जनवरी को बहुत अच्छी धूप निकली थी और पूरे उत्तर भारत में जो टेम्परेचर है वो बढ़ गए थे। आज 28 जनवरी हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि आज धूप काफ़ी ज़्यादा हल्की है, खास करके उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली NCR में बादल छाए हुए हैं। अगर हम देखें तो इस समय बादलों की स्थिति किस तरह की बनी हुई है, तो आप देखिए तो ये घने बादल हैं। आप देखिए पूरे ये पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में है, उत्तरी पंजाब में, हालांकि फिर भी मौसम थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन दक्षिणी पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, बिहार और मध्य प्रदेश में भी अब बादल दिखाई दे रहे हैं। ये मीडियम और हाई क्लाउड है। मीडियम और हाई क्लाउड जो होते हैं वो बारिश बहुत कम देते हैं, बूंदाबांदी कई स्थानों पर हो जाती है, लेकिन मीडियम जो क्लाउड है वो 8,000-9,000 फीट से शुरू होता है, यानी कि जमीन से 8,000-9,000 फीट के ऊपर मीडियम क्लाउड होता है और जो हाई क्लाउड होता है वो लगभग 20,000 फीट के आसपास होता है। तो ये जो मीडियम और हाई क्लाउड हैं, जब ये छाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ये बन रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सूरज की रोशनी को कम कर देते हैं। हालांकि जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि कल धूप निकली थी, तापमान थोड़े से बढ़े थे, लेकिन आज फिर सर्द हवाएं चलने लगी हैं और ये बादल जो हैं वो तापमान को गिरा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोल्ड डे कंडीशन काफ़ी कम जगह पर रहेगी। दिल्ली NCR में टेम्परेचर बढ़ गए हैं, यानी कि बादलों के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सीवियर जो विंटर की स्थिति अभी फिलहाल नहीं होने वाली है। तो ये जो बादलों का समूह आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में बना हुआ है, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है ये पूरा इलाका है और ये जो है यहाँ पर हाई क्लाउड है, तो इस तरह के बादल हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखें, ये जो पूरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से दिखाई दे रहा है, ये WD है और एक और WD ये पीछे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक के बाद एक WD आ रहे हैं। तो ये कल का जो पिक्चर था आपने देखा था, जो मैंने बनाया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आगे बढ़ गया, दूसरा आने वाला था, एक और है, इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। अब इन जो मैप में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो आप देखिए इंडियो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर है, जो आपने देखा कि सैटेलाइट पिक्चर में जो घने बादल छाए हुए थे, उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 31 जनवरी के आसपास यहाँ पर पहुंचेगा। तो अभी पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है, कई इलाकों में हो रहा है, खास करके जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल है और बाकी उत्तराखंड में खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, बादल छाए हुए हैं। अब क्या होगा कि आज 28 तारीख को और 29 तारीख को जो स्नोफॉल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, खास करके अगर देखेंगे तो ये उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों में होगा। और 30 तारीख को थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 31 जनवरी से फिर से जो नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा फिर वो स्नोफॉल को बढ़ाएगा और ये 2-3 तारीख को हैवी स्नोफॉल की संभावना ये उत्तराखंड तक रहेगी, यानी कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और जो इंटेंसिटी है बर्फबारी की, बारिश की और हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है यहाँ पर, तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ये 4 फरवरी तक उम्मीद है कि पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल होगा, उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। और ये जो इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, वो 1 जनवरी से या 31 की रात से भी कह सकते हो, एक फरवरी से, वैसे 31 जनवरी की रात से भी बारिश शुरू हो सकती है, 1 और 2 फरवरी को यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। 3 फरवरी को ये जो उत्तरी जो राजस्थान है यहाँ पर भी, खास करके चुरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद राजस्थान में भी बारिश के आसार दिखाई देने लगे हैं। पंजाब और हरियाणा में भी मौसम लगभग शुष्क बना हुआ था, दिल्ली NCR में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं थी, तो इन सारे इलाकों में मौसमी गतिविधियां अब जो अगले 2-4 दिनों में शुरू होंगी और वो कुछ इलाकों में जारी रहेंगी। खास करके अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, यहाँ पर जो मौसमी गतिविधि है वो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक लगातार जारी रहने वाली है, लेकिन दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी तो नहीं है, और उसके बाद अगर उससे और ज़्यादा जो दक्षिणी
उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देने वाली है। तो इस तरह का ये वेदर इस इलाके में रहने वाला है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण क्या होता है कि जैसे हवाएं इस तरह से घूमती हैं, कभी कभी तो आप देखिए ये आ रही है यहाँ से, पश्चिमी हवाएं आ रही है, कभी यहाँ से ऐसे इस तरह से घूमेगी, तो क्या होगा कि जो हवाओं के प्रभाव से जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो आज दिल्ली एनसीआर में 6 डिग्री के आसपास, 5-6 डिग्री के आसपास बना हुआ था, वो 7-8-9 डिग्री तक पहुंच सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी 1-2 दिनों में बढ़ेगा, लेकिन जब बारिश शुरू होगी तो थोड़ा सा गिर जाएगा। तो कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव जो है वो रहेगा। और 6 तारीख के बाद से जब ये पूरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चले जाएंगे, 6 तारीख के बाद से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। फिर जो बर्फीली हवाएं, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो चुका होगा, तो जो बर्फीली हवाएं चलेंगी उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक के तापमान गिरेंगे, सर्दी बढ़ेगी, यानी कि सुबह और रात की सर्दी बढ़ेगी, लेकिन दिन में फिर भी कंफर्टेबल रहेगा, तेज धूप निकल सकती है और कोहरे छाने की अभी खास उम्मीद हमें दिखाई फिलहाल उत्तर भारत में नहीं दिखाई दे रही है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रही है बिहार से लेकर के यो असम तक, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ है जो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक आ रही है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर तो दिखाई नहीं देने वाला है। लेकिन हाँ, ये अभी जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन ये 1 फरवरी से और 3 फरवरी के बीच में गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसमी गतिविधियां हो सकती है, उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो ऑलमोस्ट शुष्क रहेंगे। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ बांग्लादेश का मौसम साफ बना रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं ये उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान होकर के आ रहे हैं। तो अभी तक जो वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो उत्तरी अफगानिस्तान में अच्छा स्नोफॉल, जो पहाड़ी इलाके हैं हिंदुकुश की पहाड़ियाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्नोफॉल होगा। और भी अफगानिस्तान के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तरी जो इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी स्नोफॉल के चांसेस हैं। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, वहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान और जो दक्षिणी सिंध है, ये सारा इलाका पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। यहाँ पर मतलब कि इधर से लेकर के ये जो इलाका है, यहाँ पर जो है वो ड्राई रहेगा, यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा, और यहाँ पर जो है वो वेदर एक्टिविटी इस इलाके में आपको दिखाई देगी। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर होने वाला है। अगर हम फिर और मध्य भारत की बात करें, तो दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस इलाके में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है, हवाएं बदल गई हैं, उत्तरी हवाएं जो चल रही थी, सर्द हवाएं, वो हट गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी तापमान थोड़े से बढ़ेंगे। अगर हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें, तो इन इलाकों का भी मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। तमिलनाडु और केरल में भी वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल अगले 2 या 3 दिनों तक नहीं रहेगी। 1 फरवरी से जो बारिश है वो कोस्टल तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। अभी हल्की फुल्की बौछारें 1-2 स्थानों पर हुई है चेन्नई वगैरह में, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी आगे नहीं होने वाली है। 1-2 फरवरी से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। अभी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी, वो आज भी जारी रहेगी, लेकिन 29 तारीख से वेदर एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मौसमी गतिविधियाँ जो बारिश वगैरह है बहुत हल्की हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे मौसम यहाँ पर भी साफ होने लग जाएगा। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम टेम्परेचर देखें ये 27 जनवरी के, तो प्लेन एरिया के बता रहा हूँ, तो प्लेन एरिया में ये 16 डिग्री से शुरू कर रहे हैं हम, 16 उसके नीचे, मुरादाबाद में 16 डिग्री था, कलिम्पोंग तो खैर उत्तरी उत्तर में है, यानी कि जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ 15.5 है। चेरापूंजी में 15.3 है, दरभंगा में 15 है, गोरखपुर में 14.9 है, मुजफ्फरपुर में 14.4 है। फिर 14 डिग्री के आसपास आप देखिए ये बने हुए हैं बनिहाल, मुक्तेश्वर, शिलोंग, कोहिमा, और फिर शिमला में 13.5 है, श्रीनगर में 13.3 है, मनाली में 13.2 है, नजीबाबाद में 13.2, फिर बहराइच में 12.4, कौजीगुंड में 12.2, गैंगटोक में 12.2, पंतनगर में 12, और गुलमर्ग में 2.8, यानी कि जैसे जैसे हम, यानी कि गुलमर्ग में मैक्सिमम टेम्परेचर 2.8 है, तो आप सोच सकते हैं वहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो कोल्ड डे कंडीशन है वो काफ़ी हद तक हट गई है, और धीरे धीरे 1-2 दिनों में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है वहाँ से भी कोल्ड डे कंडीशन हटने की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।
आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।